तो राम राम भाई, सारा ने ठीक हो। और आज मैं प्याज गिर गेरी की चटनी बनाने लग रही हूँ। तो प्याज ले लिया 3 और गेरी काटन लग रही हूँ। ठीक है, गेरी की प्याज की चटनी बहुत बढ़िया बनेगी। तो मैं काट लिए आने अच्छी तरह। और ये देख लियो, गेरी अलग काट ली, प्याज है 3 प्याज काट लिया, राई, अजवाइन, गुड़, ये सारो सो दौड़ दर रखे मैं, मसालो है। और एक फ्राई है, फ्राई में तेल डाल लियो है, तेल ज़्यादा ना लियो, कभी ज़्यादा थी तराई तराई करा दियो इमां। ठीक है, ज़्यादा तराई मन जी फिर उसे ही बोला गई। ठीक है, तो आप थोड़ा नॉर्मल ही डालेंगे तेल, 1 चम्मच बहुत हो गई इमां तेल। और देख लियो तेल होने ला रही है गर्म, बहुत बढ़िया चटनी बन के तैयार होगी। तो मैंने जीरो डाल दियो और राई डाल दूँगी वहाँ। अब मैं जो सरसों ले रखी है, राई है तो राई डाल दियो, सरसों है तो सरसों डाल दियो। तो यह अब मैंने ऐड कर दी वहाँ, मिला दी। ठीक है, तो यू अच्छी तरह मिला लिया आप। धीमी आँच पर, बिल्कुल धीमी आँच पर ही पका ली हो इन्हें, बढ़िया बनेगी। तेल का पड़ जाए उसको दो, अरे बापा ही मैं मिला दिया ना प्याज। तो प्याज मिला दिया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और बीच में बिल्कुल ना छोड़िए। अच्छे में बने हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल में, और वीडियो बढ़िया बढ़िया बना के लियाँ मैं आपका। तो प्याज बनने लग रही है, अभी देख लियो या अच्छी तरह सीख जाने। तो थोड़ी देर अंदर के छोड़ दिया आप, 2-1 सेकंड खा दड़िए, छोड़ दिया ढक के। और प्याज अब अच्छी तरह पक गया है, तो एक बार देखना चेक करके प्याज, तो सही है प्याज पक रहे हैं। अच्छी तरह मिला लिया है, तो हरी मिर्च जो मैंने काट रखी है ना दे डाल देंगे उमा, तो हरी मिर्च अपन उमा मिला देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया चटनी बन के तैयार होगी। बाकी जो सब्जी आप बनावानी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कभी कभी बनाई रही है तू, और करे कोई सब्जी ना हो ये चीज़ बना के खावे तो बहुत बढ़िया लगे। तो यह थोड़ी पत्ते अब आप कैरी मिलाते हैं, कैरी ज़्यादा बड़ी ना छोटी, डी चार साइज है, तो सही लग रहे हैं और अच्छी तरह लगेगी तैयार। तो देख लियो यह मिलाती है आप, थोड़ी थोड़ी आँच का पकने लग रही है, देखो बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मसालों डालियो को नहीं अंदर, मसालों डाल देंगे पूरी बन गई सब्जी, तो बहुत बढ़िया लग रही है। फिर देखता रहिए बीच में वीडियो ना छोड़िए, आकर भी काम आज के आपने कहते हैं। तो अभी कालो नमक डाल देंगे इमान का, कालो नमक टेस्ट बढ़िया हो इमें, तो आधी चम्मच में आप कालो नमक मिला देंगे। तो थोड़ी सी अजवाइन दे देंगे, अजवाइन बहुत बढ़िया टेस्ट आई है और अच्छी भी होगी हमें स्वास्थ्य खातर भी। तो आप अजवाइन डाल दी, अब थोड़ी सी आप लाल मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हरी मिर्च डाल रहा है, तो थोड़ी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिए, हल्दी डाल दी और सफ़ेद नमक डाल देना बेसन, ये थोड़ा टेस्ट आ जाएगा सफ़ेद नमक में, टेस्ट कर लेना सब्जी में, मिला देना टिकरिया में। तो वीडियो बीच में ना छोड़ दो, कभी अच्छे मन दिया सब्जी बने को नहीं, अभी आगे और बनेगी, कभी छोड़ के बाद जो भी हाँ आगे बनानी, अभी और बहुत।
टाइम लेवेगी, रुको एक बार। तो अभी थोड़ा सा मसालों पका लेंगे आपा। और अभी आप एक गिलास में पानी मिला देंगे और इन मिला देंगे अच्छी तरह। मिला दी, अब अभी ना ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट खातर, पक जाएगा ज़्यादा। तो अब आप देख लेंगे ना बन रही है। और अब आप मिला देंगे गुड़, तो गुड़ ले लियो और इमा मिला देंगे अच्छी तरह। इमें इमा मिला के और आप कई देर फिर इन ढक के छोड़ देंगे। मिला दियो ठीक है। अब इन 2 मिनट खाता आप अच्छी तरह पका लेंगे। वो गुड़ है इन मिल जाओ इमा, 2 मिनट होगी। आ देखो थे सारों की मिक्स हो रही है, इमा बढ़िया बन गई, तैयार हो रही है, सारों की पक गई। तो आप इन्हें आप निकाल लेंगे एक कांच का बर्तन में। कांच का बर्तन में ही खाता भी अगर 2-3 दिन भी पड़ी रहेगी तो खराब को नहीं होगी। तो आप इमा निकाल के अच्छी तरह छोड़ देंगे। देखो जमा बढ़िया, कोई ज़्यादा तरीकों नहीं, कुछ को नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल सब्जी अतरिया बन के तैयार होगी। और बहुत बढ़िया लगा दिखने में और बहुत टेस्टी है खाने में भी। तो थारो रिक्वेस्ट है हमारे कि चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दियो, ताकि मैं हर बार आप खाते बढ़िया वीडियो लेके आ सकूँ रोजाना। या देखो हाँ होगी अपनी चटनी तैयार। और अब जल्दी सी कमेंट कर दियो कि थाना किसी को लागी हमारी चटनी। तो आज खाते साना ने राम राम, कल फिर आज ही रोवांगा एक वीडियो और लेगी, तब तक के लिए राम राम।